नमस्कार यारो, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होगे। यारो, आज हम आए हैं कूनो नेशनल पार्क, और यहाँ हम नाइट सफारी करेंगे। एक्चुअली नाइट सफारी यहाँ अलाउड नहीं है, सिविलियंस यहाँ नाइट सफारी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने एक परमिशन ली है, जो स्पेशल परमिशन फॉरेस्ट की तरफ से मिलती है। वो एक परमिशन लेके एक्चुअली हम सफारी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक नाइट में, एक चौकी है वहाँ तक हमें जाना है, तो उसकी एक परमिशन है। तो फॉरेस्ट वालों के साथ हैं हम लोग और फुल सेफ्टी के साथ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। यारों, पहले एक बात का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि चीता ही क्यों चुना गया और कूनो ही क्यों चुना गया चीते के लिए। सबसे पहले आप देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है और ये पानी के साइड में एक प्रोटेक्शन वॉल लगाई गई है। ये एक लेपर्ड का टेरिटरी है और वो वहीं बैठता है, और ये टेरिटरी में सबसे ज़्यादा आपको लेपर्ड वहीं बैठे दिखेगा, और ज़्यादातर साइटिंग वहीं होती है। अभी यहाँ साइटिंग अलाउड नहीं है, जब ये साइटिंग चालू हो जाएगी तब इसके पिक्स मैं आपको भेजूँगा। इसके पिक्स मेरे पे हैं क्योंकि मैंने बहुत बार यहाँ सफारी करी है, तो मैंने देखा है वो ज़्यादातर यहीं बैठता है। लेकिन अभी नाइट सफारी का टाइम है और ज़्यादातर वो दिन में वहाँ बैठा दिखता है, तो अभी नाइट सफारी के टाइम पे चलिए चलते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा तो नहीं, बस विद इन 5 to 10 मिनट्स का सन बचा है, वो भी अब डाउन ही है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि एक्चुअली जो टाइगर, वो चीता रेस्क्यू सेंटर जो बना हुआ है, वहाँ आज 2 चीताज रिलीज़ कर दिए गए हैं। अभी चीताज आप सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है, और आज ही एक्चुअली एक फीमेल ने 5 कप्स को किया है। अभी हम पहुँच चुके हैं अपना एक चौकी पे, फौज चौकी है ये, और ये पूरी सोलर प्लेट से यहाँ लाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं। कूनो में हर 5 किलोमीटर पे आपको एक चौकी दिखेगी, या फॉरेस्ट गार्ड्स और कुछ सेफ्टी गार्ड्स रहते हैं। कूनो में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्चुअली उसका कारण चीता नहीं है। कूनो के पास में एक प्रजाति पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स और शिकार करती है, तो गार्ड चौकी, यहाँ जो चौकियाँ हैं अभी हाल फिलहाल ही मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस लिए जा रहे हैं उसका कारण ये है कि अभी ही आज सुबह एक गार्ड को, एक यहाँ के क्षेत्र में कुछ शिकारी रहते हैं, उनने एक गोली का छर्रा उनके पैर में पड़ा है। तो मीनवाइल उसी के लिए ये पूरा है और उसी के लिए हम फॉरेस्ट में अंदर जा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाऊंगा। कुछ रात को जो आप देखते हैं थोड़ा सा जंगल जागता है, तो वो आपको दिखेगा रात पे। मैंने तो रात में बहुत सफ़र किया है, तो आपको बर्ड्स और क्या कहते हैं ये, अपना छोटे छोटे जो जानवर रहते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा खुले में पसंद रहता है। ये देखिए, ये आप जो सामने देख रहे हैं रैबिट देख रहे हैं, ये जंगली रैबिट है। ये रोड पे इसलिए आ जाते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा इन्हें आसपास खुला दिखता है, और ये लेपर्ड का सबसे अच्छा शिकार रहता है, तो माइट भी हमें लेपर्ड भी आज दिखेगा, क्योंकि यहाँ लेपर्ड की संख्या 400 है। जी हाँ, 400 नॉर्मल काउंट में आप देखेंगे, यहाँ के किसी आदमी से पूछेंगे तो वो आपको 400 से ज़्यादा ही बताएगा। ये देखिए, ये एक परिंदा है, ये भी रोड पे ही रहते हैं। एक्चुअली रोड पे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी रोड पे आ जाते हैं, तो इसलिए प्रेडेटर्स भी रोड पे आ जाते हैं, तो उन्हें देख के लेपर्ड्स वगैरह भी रोड पे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को जंगल जागता है, रात को जंगल जागने का ये कारण रहे। अभी देखिए, शायद से ये भी रैबिट ही है। हाँ जी, रैबिट ही है। चलते हैं गाइस, अभी देखते चलते हैं। आप लोग मेन कंसंट्रेशन रोड पे ही रखिएगा, क्योंकि ये नाइट सफारी है। अभी पीछे वाली चौकी से भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीछे वाली चौकी पे, एक चौकी की छत पे अभी एक लेपर्ड देखा है। ये भी वाइल्ड बर्ड है, पिजन है। तो
अभी एक चौकी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीछे भी लेपर्ड चौकी में देखा गया है, और यहाँ के जो लेपर्ड का जब आप देखोगे तो उसका जो लेपर्ड का साइज़ है उसे देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ के लेपर्ड का साइज़ अप्रोक्स टाइगर के बराबर का है। रुकना रुकना, स्लो करो बेटा। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये जंगल, मतलब शिकार इतना ज़्यादा है। मेन कारण यही है कि यहाँ चीते कूनों में आए हैं। कूनों एक बहुत, ये जो आप अभी अंधेरे में देख रहे हैं मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बनाऊँगा, उसमें आप देखिएगा कि कूनों में बहुत बड़ा बड़ा जो एरिया है वो क्लियर किया गया है ताकि चीता दौड़ सकें। और उसके बाद ये जो शिकार है यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ आपको स्पॉटेड डियर के हर्ड्स दिखेंगे, और आपको यहाँ सांभर की बहुत ज़्यादा, मतलब तादाद में है, सांभर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये अभी खूनों को, मतलब थोड़ा थोड़ा साइड में घास में आग लगाई गई है क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी उन्हें बढ़ाना है, और अभी खूनों में थोड़ा वर्क चल रहा है रोड्स वगैरह पे, और अलग अलग रूट्स बनाए जा रहे हैं। एक सेकेंड होल्ड करना ज़रा, धीरे ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो तो हमारे साथ पूरी टीम है भाइयों, हम अकेले नहीं जाते हैं, पूरी टीम चलती है हमारे साथ, और हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स भी हैं हम पे, और टॉर्च और लाइट्स वगैरह भी हम लोग लेके आए हैं। रुकना रुकना, अरे ये बर्ड बहुत खतरनाक रहती है, ये एक्चुअली जब तक, मतलब जब से पूरा टायर ऊपर तक नहीं आ जाए तब तक नहीं उड़ती है, और इसकी फ्लाइंग रेंज बहुत कम रहती है, मतलब ये अभी उड़ी होगी और ये जस्ट रोड के बगल से ही बैठ गई होगी। देखो दारू, अभी हमें रास्ते में उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाया, अभी मेरे को लेपर्ड की थोड़ी सी टेरिटरी मार्किंग भी दिखी थी पीछे, इस एरिया में, इसी इसी एरिया में ये अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर का बेल्ट है, इसमें 5 से 6 लेपर्ड एक्टिव हैं, और ये बिल्कुल कोर लेपर्ड एरिया है, और यहाँ किसी किसी को, मतलब टेरिटरी लेपर्ड टेरिटरी फाइट्स भी दिखी हैं यहाँ भी, यहाँ से आवाज़ आ रही है कुछ। चलो चलो, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सांबर कड़ा हुआ था पीछे, वो कैमरे में नहीं आएगा ना। चलो पत्थर है, नहीं, वो पीछे लगा, वो खड़ा हुआ है, एक सामर खड़ा हुआ है, वो हिल रहा था। बहुत घना जंगल है भाई, और यहाँ मतलब आपको ये समझ लो 50 मीटर नहीं दिखता है, और बिल्कुल अनटच्ड जंगल है ये, बिल्कुल कोर एरिया में इस टाइम हम मौजूद हैं। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। लेपर्ड है, लेपर्ड है, वेट करो वेट करो, वही वाला है, धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलो, धीरे धीरे स्पीड धीरे ही ना। ये जो बुशेज आप देख रहे हैं ना, इसी में सबसे ज़्यादा यहाँ के जो शिकारी हैं ये घात लगा के बैठ रहते हैं, और इनके पास राइफल्स रहती हैं, इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है अभी, और इस टाइम कोनो प्रशासन इनको दूर करने में लगा हुआ है सबसे पहले। चीता है, लपड़ लपड़ रोड पे लपड़, स्लो कर स्लो कर स्लो कर स्लो करो, लपड़ स्लो करो, स्लो रुक, बंद कर, गाड़ी बंद करना, आवाज से डर जाएगा, वही आवाज रखो, देखो देखिए भाई लोग ये अभी कर रहा है टेरिटरी मार्किंग,
और ये टेरिटरी मार्किंग तब करी जाती है कि ये वाली टेरिटरी मार्किंग, ये पेड़ों वाली टेरिटरी मार्किंग नहीं है, ये टेरिटरी मार्किंग तब करी जाती है जब यहाँ इसे सेंट मिली है कि यहाँ कोई और लेपर्ड ने उसे किया है। अब ये जंगल के अंदर चला जाएगा। ये सरहद है दो लेपर्ड्स की, ये टेरिटरी मार्किंग इसलिए करी जाती है। साइज देखो भाई लोगों, साइज देखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा कूनो का दिन की सफारी का, और एक आपको डिटेल्स भी शेयर करूंगा चीता के जो कब्स हुए हैं उनके बारे में। ओके, फिर मिलते हैं। कीप लाइकिंग इंडियन एक्सप्लोरर।